जिस तरफ एक्सीडेंट हुआ था पूरा ये फेयरिंग वगैरह एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ से चेंज हुआ। आराम से यहाँ पे संभल संभल के ही चलना पड़ेगा। देख रहे हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। दिस इज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं गाइस आप सारे लोग मेरे तरफ बढ़िया होगे, एकदम बढ़िया ही रहना गाइस। तो सीन ऐसा है कि तीन दिन पहले राखी था और राखी पे मैं यहां था नहीं, अपनी दीदी के घर पे गया हुआ था जो कि यहां से 400-500 किलोमीटर उड़ीसा गया हुआ था एक्चुअली। तो दो दिन तो एक्चुअल में राखी ही था, उसके बाद फिर मैं एक दो दिन वहां पे स्टे करके फिर आया, तो मतलब टोटल 4-5 दिनों से मैंने व्लॉग नहीं किया है। एंड गाइस आप सबको पता ही है कि मेरे पास ना कोई पार्किंग का प्रॉपर जगह नहीं है जहां पे अपनी कार को मैं पार्क करके रखूं। बाइक वगैरह तो गली के सामने लगा देता हूं, इसीलिए अपनी कार को ना मैं एक फ्रेंड के घर पे छोड़ के गया था। वहीं पे अपनी कार 4-5 दिनों से खड़ी है, स्टार्ट भी नहीं हुई है। वो बंदा स्टार्ट भी नहीं किया, मैंने उसको बोला कि स्टार्ट करके थोड़ा सा राउंड वगैरह लगा ले वरना उसका बैटरी बैठ जाएगा। और हमारी पूरी ऑटोमेटिक गाड़ी है तो भाई एक बार अगर बैटरी बैठ गया ना तो उसको टोइंग वैन में लेके जाना पड़ेगा या तो अलग से एक बैटरी ला करके फिर पावर देके फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। और अभी अगर जो मैं पूरा स्टोरी बता दूंगा आप लोग पूरा व्लॉग नहीं देखोगे, इसलिए पूरा व्लॉग एंड तक देखो, सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा, पूरी स्टोरी पता चलेगी। और आज तो भाई मतलब समझ सकते हो आप लोगों का अच्छा खासा एंटरटेनमेंट होने वाला, जो कि टाइटल थंबनेल से आप लोगों को ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। अभी बाइक को कॉल स्टार्ट कर रहा था तब मेरे को ख्याल आया ना कि अपना हेयर और बियर्ड ना थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको जाके फटाफट से सलून में ट्रिम करवा लेता हूँ। फिर अपने सलून वाले भाई को कॉल किया कि भाई खाली है क्या सलून, तो बोला हाँ बिल्कुल खाली है। तो अभी फटाफट से जाऊंगा, मतलब आधे घंटे 45 मिनट का काम है, बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा, फिर ना अपने को एकदम फ्रेश फील होगा। ऑलराइट गाइस, अभी मैं सैलून से बाहर निकल चुका हूँ, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा मौसम का हाल खराब हो चुका है, बारिश हो चुकी है, यहाँ पे रास्ते पूरे गीले गीले हो चुके हैं। और यहाँ पे चेक कर सकते हो भाई, मैं अपनी R15 को लेकर के निकला और यहाँ पे हेलमेट में चेक कर सकते हो। GoPro मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया है क्योंकि अभी अपना मोटो व्लॉग का प्लान नहीं है। अभी मेरे को अपनी बाइक को लेकर के फटाफट से पहुंचना है मोटर व्हीकल, जहाँ पे मैंने अपने 4-व्हीलर के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। तो आज उसका ना ड्राइविंग टेस्ट वाला डे है, तो वहाँ पे जाकर के ड्राइविंग टेस्ट देंगे, फिर अपना ना वो लाइसेंस बन जाएगा। उन लोगों ने मेरे को कल रात को ही मैसेज ड्रॉप कर दिया था, फिर मैंने उन लोगों को कॉल करके ये कंफर्म किया कि अपनी गाड़ी लेके जानी है कि वहां से कार मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि वहीं से जो कार मिलेगा उसी पे ड्राइविंग टेस्ट देना है। अभी मुश्किल से मैं 1 किलोमीटर भी नहीं आया हूँ और बहुत जोरों का बारिश तेज हो चुका है। पता नहीं भाई बारिश के साथ अपना क्या दुश्मनी है यार, जब भी कुछ भी काम के लिए निकलता हूँ बारिश ही हो जाती है। लगता तो है डेस्टिनेशन तक पहुँचते भाई पूरा ही भीग जाऊंगा मैं। अभी 1 घंटे पहले कितना मस्त मौसम हो रहा था, पूरा सनलाइट वगैरह एकदम ब्राइटनेस बढ़ा हुआ था, बट भाई अचानक से 1 घंटे के अंदर में भाई पूरा मौसम का हाल ही बदल गया। ऑलराइट गाइस, अभी जो आप लोगों ने सीन देखा ड्राइविंग टेस्ट वाले, ये आज से 4 दिन पहले का सीन है। इसके बाद क्या हो गया ना, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होने लग गई और इन 4 दिनों के बीच में ना भाई बहुत ज्यादा कुछ हुआ है, इसकी वजह से ये वाला व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। तो स्टोरी में ऐसा हुआ कि ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद वहां पे इतनी जोरों की बारिश हो गई, मैं कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाया और वहां से निकलने में मेरे को लगभग शाम के 6 बज गए थे। उसके बाद वाला दिन भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उसके बाद वाले दिन अपने हाथ लगी सुपर बाइक और उस पर मैंने भाई अपना मन पसंद येलो कलर से रैप। ये देखो यहाँ पे इतने सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है, तो जो मैंने अपनी बेनेली पे कराया था येलो वाली, जो कि मेरे हेलमेट पे अब भी है, फेवरेट कलर है अपना बाइक के लिए येलो। बाकी अभी बारिश हो रही थी तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, पूरा यहाँ पे ना गंदा लग चुका है और अपने बैग में भी गंदा लग चुका है। लास्ट देख लो इस कलर में, इसके बाद पूरी रैप हो जाएगी तो पूरा लुक चेंज हो जाने वाला है। बैक वाली सीट तो इजिली खुल जाती है, बट ये फ्रंट वाली जो सीट है ना, इसको खोलने के लिए यहाँ पे एलेंकी को सबसे पहले यहाँ से खोलना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के ये सीट निकलेगी। तो यहाँ पे बाइक पे फर्स्ट क्लियर चढ़ चुका है येलो का। अब आप लोगों को पूरा बाइक रैप हो जाने के बाद फाइनल लुक चेक कराता हूँ। ओके लेट्स वेट। सीन ऐसा है कि मैं हूँ भाई मोटो व्लॉगर, ठीक है, और यूट्यूब पे अगर मोटो व्लॉगिंग करना है, बाइक का कंटेंट बनाना है, तो आपके पास एक सुपर बाइक होने को मांगता है भाई आज के डेट में, वरना भाई आपको लोग वैल्यू नहीं करते। और आप लोगों के तरफ से बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में डिमांड आ रहा था कि भाई सुपर बाइक लाओ, सुपर बाइक दिखाओ, साउंड दिखाओ, एक्सेलरेशन दिखाओ, स्पीड वगैरह दिखाओ। एज अ मोटो व्लॉगर, एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, मैंने आप लोगों के बातों को सीरियसली लिया और मैं सोचा कि भाई वीडियोज वगैरह में सुपर बाइक अपन को लाना चाहिए। अब बाइक तो रैप हो गई और बाइक को इस नए लुक में देख करके भाई दिल को जो सुकून मिला ना, क्या ही बताओ आप लोगों को। और इसके ठीक बाद वाला दिन था इसके ऊपर शूट करने का, बट क्या हुआ कि उस दिन अपने को पासपोर्ट ऑफिस जाना था, पासपोर्ट के लिए मैंने अप्लाई किया, तो उसके लिए वहां पे वेरिफिकेशन वगैरह होने था, तो मैं पासपोर्ट ऑफिस चला गया। पासपोर्ट ऑफिस में मैं वेरिफिकेशन वगैरह का काम करा रहा था, लगभग 2 बज रहे थे दोपहर के, तभी सर्विस सेंटर से कॉल आता है, बजाज के सर्विस सेंटर से। वो लोग बोलते हैं कि आपका RS 200 बिल्कुल रेडी हो चुका है, आओ और अपने RS 200
हेलमेट को ले जाओ। 15 अगस्त फ्राइडे 6:16 हो रहे हैं शाम के और यहाँ पे अपनी बाइक सर्विस सेंटर से बाहर निकल रही है, पूरा फुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे राइट साइड का देख सकते हो जिस तरफ एक्सीडेंट हुआ था, पूरा ये फेयरिंग वगैरह एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ से चेंज हुआ है, हैंडल बार वगैरह भी यहाँ पे चेंज हुआ है। तो जो बिल बना है वो 4,144 रुपीज का बना है। तो इतने सारे पार्ट्स लगे हैं भाई, इस पे बहुत सारे पार्ट्स लगे हैं, ये चेक कर सकते हो। और टोटल बिल यहाँ पे 4,366 का है। तो यहाँ पे आकर के पहुंचने के बाद भी काम कंप्लीट नहीं हुआ था। सबसे पहले इसका पूरा फ्यूल टैंक खाली था क्योंकि इसमें कुछ मतलब वो बिल्डिंग वगैरह करना था हैंडल के वहाँ पे, तो बिल्डिंग वगैरह का काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद इसमें पूरा फ्यूल डाला गया, उसके बाद जाकर के अब अपनी बाइक पूरी रेडी हुई है। ये एग्जॉस्ट का साउंड ना अभी बदल चुका है, ये देख लो, थोड़ा सा मोटा मोटा यहाँ पे साउंड फील होगा क्योंकि जो मेरे पहले एग्जॉस्ट लगी थी ना वो बिल्कुल ब्लैक फिनिश में थी और ये जो एग्जॉस्ट है ना ये सिल्वर फिनिश में। बेसिकली ये BS3 में जो एग्जॉस्ट आती थी ना जिसमें साउंड ज़्यादा था, पावर ज़्यादा था, उसकी एग्जॉस्ट यहाँ पे डाली गई है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो थोड़े बहुत जो इधर पे स्क्रैचेस थे वो ऐसे ही विजिबल हैं। तेल तो डाले, अभी तो डाले 300 का तेल, बहुत दिन से बंद पड़ा है ना गाड़ी इसीलिए। ये भाई अपना टेस्ट राइड पे जा रहा है। तो यहाँ तक की स्टोरी से आप लोगों को पता चल गया होगा कि राखी के बाद से लगभग 10-15 दिन मैं कहाँ गायब हूँ, अपना जो मूड है ना थोड़ा मतलब डाउन से चल रहा था। खैर वो सारी चीजें रखते हैं साइड में, तो चलो अभी आप लोगों को रूम में बिठा करके बोर नहीं करते, सुपर बाइक पे बिठाते हो एकदम फुल फन देते हैं। गाइस लेट्स गो इन 3-2-1। ऑलराइट गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला सिनेमैटिक एकदम पसंद आया होगा। और ये भाई बाइक का फाइनल लुक है, चेक करो भाई कितनी ऑसम, कितनी ब्यूटीफुल और आंखों में कितनी ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे सनलाइट पड़ रहा है ना तो ये कलर बिल्कुल चमक रहा है। तो भाई GoPro में कुछ ऐसा व्यू आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा। चलो भाई ऑन कैमरा इसको स्टार्ट करते हैं। भाई साउंड आप लोग एक बार सुनो, ओ बाप रे बाप, बहुत ही डरावना साउंड है। चलते चलते स्पीड में खींचूंगा ना तो आप लोगों को असली साउंड का पता चलेगा। ए भाई साहब, अब तो ये कुत्तों से अपना पाला पड़ते ही रहेगा। सुपर बाइक हाथ में आते ही ना भाई ऐसा खतरनाक वाला एनर्जी पूरे बॉडी में आता है ना, क्या ही बताओ। ऐसा तो लग रहा है मन कर रहा है ना ये एक्सेलेरेटर बस ऐसे खींच दूं, बट भाई ये हाईवे नहीं है, एकदम घर का रास्ता है तो यहाँ पे संभल संभल के ही चलना पड़ेगा। देख रहे हो, देख रहे हो, अपने पास जब Benelli 600 आई हुआ करता था ना उस समय अपने एरिया में मैं बिल्कुल तबाही मचा के रखा था। एग्जॉस्ट है भाई, लोगों का ना नींद आराम करके रखा था, कभी भी कहीं से गुजरता था ना और ऐसे एग्जॉस्ट देके गुजरता था ना भाई लोगों का नींद टूट जाता था। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो लोग भी अपनी Benelli 600 आई को अपनी सुपर बाइक को मिस कर रहे थे ना उन लोगों के लिए भाई कुछ दिनों तक इस बाइक पे कॉन्टेंट आने वाला है, सिटी में ही ऑफ रोड। अंकल जी हमारा सिग्नल है, किधर जा रहे हो? खतरनाक है भाई, लोग सोच रहे ये क्या चीज है, ये कैसी मशीन है, ये कैसी बाइक है भाई। भाई पटाखे भी मारती है, ओह भाई थ्रॉटल तो खोल ही नहीं पा रहा हूँ, इतनी ज्यादा पावर निकल करके आती है ना, ऐसा लगता है सामने का व्हील पॉप अप भी हो जाएगा। क्या पावर है भाई, भाई साहब 358 हो रहे हैं दोपहर के और यहाँ पे ना क्यूट क्यूट से दो बच्चे आ गए, हाथ मिला लो भाई। क्या नाम रहा आपका? प्रीतम। और आपका नाम क्या है? तुहिन। तुहिन भाई है, प्रीतम भाई है, बाइक कैसी लग रही है भाई बता दो? अच्छा लग रही है ना भाई, लोग साइकिल से आए, आपका साइकिल बहुत मस्त है। आपके साइकिल के कलर के साथ देखो मेरा बाइक का कलर मैच कर रहा है ना, बच्चों में क्रियोसिटी बहुत होती है। देखो ऑन नहीं हो रहा भाई से, करके दिखा दो तो। हाँ
ये छोटे छोटे हाथों का काम नहीं है भाई। हाँ मैं तो ऐसे इजीली कर दूंगा ना। ये देखो हो गया ना, आ गया ना मीटर में लाइन। चलो फिर ऑफ कर रहा हूँ, ऑन करके दिखाओ। जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ऐसे ना इजीली है, देखो ऑन हो गया। कितना इजी है, बहुत इजी है यार। तुम लोगों का हाथ छोटा है, तुम लोग घर में खाना नहीं खाते हो। आराम से भाई, आराम से भगा देंगे यहाँ से सारे। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो राइड देंगे, ठीक है? चलो भाई, बाय बाय, बाय बाय। फटाफट से इंस्टाग्राम पे आ जाओ, अमनसा ऑफिशियल नाम है अपना इंस्टाग्राम पे, या तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करो, इंस्टाग्राम पे जाके पहुंच जाओगे। एंड गाइस अभी इधर से निकलते हैं, शाम का टाइम है भाई, शाम को तो भाई मजा ही आ जाने वाला है। सुपर बाइक तेल बहुत पीता मेरे भाई। चले, स्माइल बहुत अच्छा है भाई का एकदम। चलो टाटा, फिर मिलेंगे।